हेलो गाइज, वेलकम टू एम टी राइडर प्रशोन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज जैसे संडे है और संडे स्पेशल वीडियो में आप सभी के लिए ले आया हूँ मैं पिलियन को बैठा के दिखाऊंगा, लेडीज़ पिलियन को, साथ में दोनों तरफ पैर करके गर्ल को बैठा के दिखाऊंगा कि कैसा क्या सिटिंग पोस्चर रहता है, कम्फर्टनेस कितनी रहती है, और अगर आपके में ये लगा है तो क्या पिलियन अच्छे से बैठ सकता है लेडीज़ पिलियन। तो यहाँ पे दो लोग हैं और एक समझ लीजिए यंग है और थोड़ा एक एज वाली, तो दो लोगों को मैंने इसलिए लिया है कि अगर आपको भी मम्मी वगैरह को अपनी बैठाल के बाइक पे ले जाना चाहते हैं एमटी पे, तो क्या आप ले जा सकते हैं थोड़ा अगर हेल्दी पर्सन हुआ तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा अंत तक, और कितनी क्या दिक्कत होती बैठने में ये सब कुछ आपको इसी वीडियो में पता चलेगा। तो चलिए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बैठाते हैं और दिखाते हैं आप सभी को कि कितना पर्सनली बैठ सकता है, कितनी दिक्कत होगी बैठने में, कैसे क्या बैठना। हालांकि मेरे में यहाँ पे लेडीज़ फुटरेस्ट लगा हुआ है, आप अपनी एमटी अगर आपके पास है तो आप लगवा सकते हैं, इसमें अगर लेना चाहें तो बन जाता है, इसकी वजह से थोड़ी तो आराम डेफिनेटली होने वाली है। तो आइए बैठालते हैं, तो यहाँ पे फिर बैठालते हैं, आप बैठिए आप और देखिए आराम से बैठ गए यहाँ पे। बस दोस्तों ये है कि बैठने के बाद में बिल्कुल भी सीट बचती है नहीं पीछे आगे, तो ये समझ के आप लोगों को रखना है, बाइक परचेज करनी है कि अगर मम्मी वगैरह को कभी बैठालना है तो थोड़ी सी तो दिक्कत हो सकती है, बट बैठने में तो कोई दिक्कत है नहीं, चढ़ भी गई आराम से क्योंकि ये लेडीज़ फुटरेस्ट यहाँ पे लगा हुआ था और पैर भी रखने में अब कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बार एक हल्का सा राउंड ले लेते हैं और आप सभी को दिखा देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि आराम से बिल्कुल बैठ भी गए और बैठने में कोई दिक्कत भी नहीं है, आराम से बैठते, बट दोस्तों दिक्कत तब आएगी जब आप कहीं लॉन्ग टूर करेंगे जैसे 30-40 किलोमीटर, तो ऐसा लगेगा खड्डे वाली में अगर आप करेंगे रोड पर तो काफ़ी दिक्कत होगी, ऐसा लगेगा पिलियन जो है आपका वो खिसक रहा हो आगे को, बट अगर आप नॉर्मली बढ़िया प्लेन रोड पर चलाएँगे तो कोई दिक्कत होने वाली है नहीं इसमें बाइक में। तो अब उतार देते हैं और फिर उनको चेक करते हैं कि कैसा क्या उसमें रहता है, और सीट वगैरह तो आपने देख ही ली है कि कितनी क्या स्पेस पीछे बचता है। अगर दोस्तों आप ये लगवा लेंगे तो आप डेफिनेटली आप किसी भी लेडीज़ को बैठा सकते हैं, मम्मी हो, चाची कोई भी हो, सब बैठ जाएंगी आराम से इस पर, और कोई आपका ट्रिप होगा वो भी आप कर सकते हैं छोटा मोटा। तो अब जो है नेक्स्ट प्लेन को अपने जाते हैं और वो भी बैठ के दिखाते हैं कि कितना क्या रहता है। तो अब दोस्तों दोनों तरफ पैर करके इनको बैठाना है, तो बैठिए एक बार, और ये देखिए आराम से बैठ गई हैं, सीट बची नहीं है क्योंकि बहुत हेल्दी पिलियन है हमारी सिस्टर हैं, तो बहुत खाती पीती हैं तगड़े से, तो बहुत हेल्दी हैं, तो सीट तो बची है नहीं और क्योंकि मैं भी हेल्दी हूँ, बट हाँ बैठ सकते हैं आराम से और कोई दिक्कत हालांकि होगी नहीं ऐसी बैठने में। एक बार दोनों तरफ पैर करके तुम बैठी हो, एक तरफ पैर करके बैठ के दिखा दो जरा, तो अभी एक तरफ पैर करके बैठेंगी फिर आप सभी को दिखाएंगे कि कितनी क्या सीट वगैरह बचती है। तो ये देख लीजिए पीछे हल्की फुल्की सीट है, पीछे से दिखा दो एक बार, यहाँ पे कितनी सीट बची, सीट है कि उसी पे बैठी हो पूरा है सीट कि नहीं, सीट बची नहीं, सीट बिल्कुल भी बची रही क्योंकि बहुत भाई विशाल का शरीर हो रहा है इनका खा खा के। तो अभी इनको उतार देते हैं हम नीचे, तो अभी क्या है आप लोगों ने देखा, अब एक बार एक राउंड मार लेते हैं पूरा, अगर आप पतले हैं और साथ में पिलियन भी पतला तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। मैंने दोनों लोगों को जो हैवी बॉडी थे उन्हीं को दिखाया क्योंकि इससे क्या होगा कि इससे ज़्यादा फिर आपका होगा भी नहीं हैवी बॉडी कोई, तो इसीलिए मैंने सोचा वही दिखा देता हूँ, तो पतला आदमी तो आराम से इजीली आ जाएगा, हाइट का कोई इशू नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपका पैर आराम से जा जाएगा, पकड़ने के लिए रेल्स वगैरह दी हुई हैं काफ़ी अच्छी, तो आप चढ़ सकते हैं आराम से, तो हाइट का तो मैं इशू नहीं करूँगा इसमें बैठने के लिए, आराम से बैठ सकता है आदमी। और उसके बाद में क्या है अब इनको बैठा के एक राउंड मरवा देते हैं फिर दिखाते हैं आप सभी को। Bye.
तो अब आपको दिखाते हैं साइड से पूरा कितना जगह बसता है पीछे रियर में। थोड़ा अपना कपड़ा सही करो फिर दिखाओ ज़रा कितना पीछे जगह बचा हुआ है। रेल पे हो कि सीट पे हो भी तुम? सीटी पे हैं अभी, तो इतना अगर हैवी कोई पर्सन बैठता है तो आराम से सीट पे आ जाएगा। और अगर आप पीछे रेल लगवा लेंगे तो काफ़ी ईजी हो जाएगा आप सभी के लिए। अगर वो नहीं लगा होगा पीछे बैक रेल तो आपको लगेगा कि जो पीछे बैठा होगा उसको लगेगा कि मैं गिर जाऊँगा ऐसा लगता रहता है। बट जब आप ये लगवा लेंगे तो कोई दिक्कत होगी नहीं इसमें। तो दोस्तों अब मैं बताना चाहूँगा, अगर आप पिलियन को एक तरफ पैर करके बैठाएंगे कोई लेडीज़ होगी हैवी तो आपको डेफिनेटली थोड़ी सी दिक्कत होगी जब कभी टर्न करेंगे या बैलेंस ऐसा लगेगा, क्योंकि बाइक बहुत हल्की है और बहुत शॉर्ट बाइक है। अगर आप कभी भी मोड़ेंगे तो ऐसा लगेगा पलट सकती है, ऐसा आपको फीलिंग आएगा 100%। और दूसरी बात, अगर कोई हैवी पिलियन आपको बैठा के आप चढ़ाओगे इस पे तो वो आपको नहीं मिलेगा, यानी कंफर्ट नहीं मिलेगा बाइक में, थोड़ा सा तो दिक्कत है। अगर आप किसी लेडीज़ को डबल दोनों तरफ यानी पैर करके बैठा लेंगे तो कोई दिक्कत हालांकि आएगी नहीं, आराम से आप चला सकते हैं। बट दोस्तों अगर कोई हैवी ज़्यादा ही हैवी बैठता है बाइक पे तो इस पे दिक्कत थोड़ी सी लगती है। तो दोस्तों बस यही है, छोटी छोटी बातें। और सीट वगैरह तो आप देख ही लीजिए, बैठ भी सकता है पिलियन अच्छे से, कोई दिक्कत है नहीं। बट अगर इससे हैवी कोई पिलियन हुआ तो डेफिनेटली दिक्कत होगी आपको। और एक सबसे अहम बात कि लेडीज़ पिलियन के साथ में आप बहुत ज़्यादा 50-60 किलोमीटर की राइड कर सकते हैं, इससे ऊपर फिर मेरे हिसाब से नहीं सही होगा, या फिर कोई बहुत ही दुबला पतला हो वो आराम से बैठ सकता है। और अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है कि कितना कौन बैठ सकता है, सहन कर सकता है। तो बस यही था एक छोटा सा वीडियो, बहुत कुछ खास तो नहीं मैं बता पाया इस पे। और अगर कुछ मिसिंग है तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर करूँगा। मेरे हिसाब से मैंने जो भी दिखाना था वो दिखा दिया है। आई होप दोस्तों कि वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, पास में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी से पहुँच सकें। धन्यवाद।